खबर है भिवाड़ी से। मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह चौहान की अध्यक्षता में BMA की 40 वर्षीय आम सभा का आयोजन किया गया। BMA अध्यक्ष के द्वारा कहा गया है कि सभी को मेरी ओर से इस वर्ष उत्सव पर दिल की असीम गहराइयों से हार्दिक शुभकामनाएं एवं आगामी वर्ष के लिए मंगलमय शुभकामनाएं। मैं हृदय की असीम गहराइयों से परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि नया साल सभी उद्योगपतियों के लिए समृद्ध और हम सभी को अच्छा स्वास्थ्य का आशीर्वाद दे। मैं इस सभागार में एकत्रित सभी सम्मानित सदस्यों का आभारी हूं, क्योंकि मुझे आपका स्नेह और मार्गदर्शन बिना किसी स्वार्थ के प्राप्त हुआ है। इंडिया 24 समर लाइव टीवी के लिए देखिए मुकेश कुमार की रिपोर्ट। क्या क्या मुद्दे रखे और क्या क्या आपने मुद्दे? तो इंडस्ट्री में हमेशा नए नए मुद्दे आते ही रहते हैं और मुद्दों का समाधान भी रहता है। आज मुद्दा ऐसा कोई खास नहीं था, सिर्फ आज मुद्दा था हमारी एनुअल मीटिंग को कंप्लीट करना, जो हर साल भर में जिसका समापन करते हैं। आज उसका समापन समारोह था, एक साल पूरा किया। और मुद्दा सिर्फ आज हमारा लेके जो हमारे यहाँ ग्रेप्स सिस्टम लागू हुआ है अभी 1 अक्टूबर से, तो हमारी डीजी सेट और गैस की प्रॉब्लम के लिए जो बंद किया है वो एक मेन मुद्दा था कि भी इसको समय से पूरा करें। सर, जो आपने अभी कार्यकाल में जो एक साल का जो कार्यकाल पूरा आपने गिना है, इस जो एक साल के कार्यकाल में क्या क्या आपने मेजर जो काम किए जो लोगों के बीच? मेजर जो हमने काम किए हैं अभी, एक तो हमने कंड्यूट पाइप का जो हमारे पास जो हमारे फ्लेंड निकलता है जो नालियों में बहता था उसका कंड्यूट पाइप का प्रोजेक्ट पूरा किया, जो प्रोजेक्ट चालू है। दूसरा काम जो हमारे पॉल्यूशन से रिलेटेड जो रोज़ रोज़ हमारे पास जगह जगह हमारे गार्बेज इधर उधर बिखरते थे वो करते थे, तो हमने डंपिंग यार्ड चालू कर दिया, तो गार्बेज हम उसमें इकट्ठा करने लग गए। तो ये काम किया। तीसरा काम ये किया हमने कि जो जितनी भी इंडस्ट्रियों की, जैसे जब इंडस्ट्री टूटती थी उसका कंक्रीट इधर उधर बिखरता था, वो भी हमने उसी में अलाउ कर दिया कि तुम डंपिंग यार्ड में दे दो और वहीं की जा रहे ताकि दिक्कत नहीं आए।